आपके YouTube चैनल का स्वागत है और आज हम लाए हैं रेबल मूवी का सॉन्ग का रिएक्शन। और हमने रेबल मूवी का फाइट सीन किया लेकिन वो ब्लॉक हो चुका है, सो बट वो ब्लॉक हुआ है तो आप टेंशन नहीं लीजिए। आप जाइए हमारे पेट्रियन अकाउंट में और जाके वहाँ पे देख सकते हैं ये वाला। आप पूछ रहे थे ना कि आप लोगों को चाहिए था कि आप कोई दूसरी वेबसाइट पे डालो जहाँ पे हम वो जाके ब्लॉग वीडियोस देख सके, तो बस आप पोलो पंप कर देंगे और हमने कर दिया। आप वहाँ जाके देखिए, आप हमें वहाँ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे चैनल सपोर्टर बन सकते हैं, आपकी मर्जी है। बट आप वैसे भी देख सकते हैं, हम देखिए, आप एंजॉय कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए और कमेंट में भी है, आप जाइए देखिए और हम तब तक केका को एंजॉय करते हैं। आप भी कीजिए, देखिए पहले ये देखिए फिर उधर जाइएगा, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। क्या बात है, जूते वाला स्टेप बड़ा जोरदार है। मुझे बैकग्राउंड कैसा बहुत जबरदस्त।
प्रभासी का मेरे को डांस बहुत जोरदार लगा ऐसा ये शायद इतना फास्ट और एकदम कूल डांस का पहली बार देखा फर्स्ट वीडियो थी और एक चीज मेरे को सबसे अच्छी लगी इसमें जो पीछे बैक डांसर थे ना उनकी ड्रेसेस स्टार्टिंग तो येलो फिर ग्रीन क्या मस्त ड्रेसेस थी और एकदम यूं स्टाइलिश बने हुए चश्मे गॉगल्स और ये तमन्ना जी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है साड़ी के अंदर उनके पीछे भाग रहे हैं केका एकदम कूल सॉन्ग था एंड यही हमने वो रिबेल फाइट सीन दिखा था तो उसमें तो इतने सीरियस मतलब मैं सिगरेट से चाय ले कॉफी पीने जा रहा हूँ तब तक वो सारे लोग मर जाते हैं एंड गोलियां मार रहे हैं यहाँ पे पूरा उनका मुंह खुला हुआ एक्सप्रेशन दे रहे हैं हंस खिल रहे हैं तो ये शायद बनने से पहले जब फर्स्ट पटा रहे होंगे तब का होगा ये शायद इसका है ना मैंने पीछे का थोड़ा सा पार्ट देखा है उसमें क्या होता है ये जो तमन्ना जी है ना ये मतलब प्रभास इनको बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड तेरे से भी ज्यादा ब्यूटीफुल है अच्छा उसके बाद में फिर ये तमन्ना देखने को पहुंचती है शेट्टी का बात कर रहा हूं नहीं पता नहीं किसके बारे में बात कर रहा है पूरी मूवी नहीं खाली मैंने इसका पीछे का थोड़ा सा देखा उसके बाद में जब ये तमन्ना उनके घर पे पहुंचती है ना तो पता क्या करते एकदम सजा वजा के रखते हैं पूरा और फिर है ना वो बोलते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहती हो ये बोलती हाँ मैं मिलना चाहती हूँ तो आईने के सामने लगे खड़ी करते बोलो कितनी ब्यूटीफुल है मेरी गर्लफ्रेंड क्या स्टमक है स्टाइल इतनी जोरदार लगी ना शायद उसके बाद ये सॉन्ग चालू होता है ये वो गोविंदा और उसका भी एक बार कौन था वो शिल्पा जी थी शिल्पा शेट्टी एक सीन था गोविंदा का भी सीन है वो अच्छा वो उसको करता है हट 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 बहुत ही पुरानी मूवी है हम आपको सीन डालेंगे अभी यहाँ पे दिखाएंगे अच्छा तो वो ऐसे करके वो मिरर दिखाता है तो गद्दे को और वो मान जाती शिल्पा शेट्टी थी या कोई था पता नहीं आई डोंट रिमेम्बर प्रॉपरली लड़की याद नहीं गोविंदा याद है वो अच्छा वो भी ऐसा सीन था बहुत मस्त था ऐसे सीन बहुत अच्छे लगते सोना तो सिर्फ मेरी एक कल्पना है और इस कल्पना का हिस्सा इस आईने में खोजने की कोशिश करो ये उसके बाद आया हुआ है शायद देखा ना क्योंकि देखा ना वो मतलब स्टार्टिंग सॉन्ग चालू होते हैं ना वो उनको कुछ बोल रही थी और फिर वो तो स्टार्टिंग होते जूते मतलब जूते आदमी कहाँ गया ऊपर वाला जूते जूते आ रहे खाली और सॉन्ग में एक अलग बीट थी वो केका का मतलब भी बताना आप जरूर तो बहुत मस्त एक अलग बीट थी सॉन्ग के बहुत मस्त इसमें जोरदार और अच्छा हाँ अपने लास्ट वीडियो में प्रभास जी की लास्ट वीडियो में बोला था ना वो किशोर रिबेल जी के लिए उनका जवाब आया फिर क्या है रिबेल जी बोल रहे थे कि है ना ये एक्चुअल में ना जो प्रभास जी बहुत मतलब डाइहार्ड फैन होते हैं ना वो या तो डार्लिंग रखते हैं अपना नाम क्या कि या रिबेल रखते हैं तो वो भी एकदम मैंने डार्लिंग भी देखा हुआ है डार्लिंग प्रभास करके भी कोई है तो रिबेल किशोर जी ने बताया हमको बहुत अच्छा सैल्यूट है आपको इतने डायर्ड फैन हो प्रभास के बस ऐसे ही आप लोग भी लगे रहो प्रभास जी के फैन गिरी करते रहो और हम लोग भी लगे रहेंगे उनके फैन गिरी हम भी फैन बन चुके हैं जी हाँ बस ऐसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बाय।